बताएं जैन साहब, आज का जेम स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो स्टॉक है वो है कंट्रोल प्रिंट और बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक। पहले भी दिया हुआ मैंने ये स्टॉक, और देखिए ये बहुत ही बड़ा नाम है। जब भी आप कोडिंग और मार्किंग मशीन्स और ये सब की बातें करते हैं और ये रिलेटेड कंज्यूमेबल्स की, और बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को ये कैटर करती है। जो भी हम एफएमसीजी ब्रांड्स है, फूड्स, बेवरेजेस, फार्मा में देखते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं ये एक तरीके से टच करती है। और काफी पुरानी कंपनी है, पिछले 30 साल से कंपनी कार्यरत है और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और बहुत अट्रैक्टिव फंडामेंटल्स है। और सबसे बढ़िया बात, ऊपर से करेक्टेड भी है। तो मैं अब एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं। तो बेसिकली देखिए 15-16 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, बढ़िया डिविडेंड देता है, 2.5% का डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 18% के है। और पिछले 5 साल के अगर सेल्स की क्या करती है तो 8-9% से ग्रो कर रही है, जैसा कि इकोनॉमी, जीडीपी और अगर आप एफएमसीजी और ये सब कंपनियों की ग्रोथ की बात करते हैं। और जो मैंने सबसे बढ़िया जो मुझे अट्रैक्शन लगा ये लगा कि पिछले सेप्टेम्बर का जो क्वार्टर था वो बहुत बढ़िया है और पिछले 4 क्वार्टर वैसे बहुत बढ़िया गए हैं। और सितंबर 2020 के मुकाबले सितंबर 2021 में करीब 10 करोड़ का पैट और पिछले साल 7.5 करोड़ का पैट था। और फिर टीटीएम बेसिस पे भी ये अच्छा खासा प्रॉफिट पे बैठा हुआ, वन ऑफ दी हाईएस्ट ही बोलूंगा मैं, 37 करोड़ का पैट इनका टीटीएम बेसिस पे आया है और 500 करोड़ की कंपनी है, 500-550 करोड़ की। और डीआईआईज और एफआईआईज का बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर, 20% के लगभग DIIs और FIIs का इसमें स्टेक है। तो इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि प्रोमोटर्स अच्छा खासा होल्ड करते हैं और फिर DIIs FIIs होल्ड करते हैं। तो इन सबको देखता हूं तो मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो बात है, ये 417 का लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ है और ये स्टॉक मैंने पहले भी 250-55 के लेवल्स पर रेकमेंड किया था, 240 और 300 का टारगेट दिया था 10 सितंबर 2020। वहां से मार्केट्स भी अच्छे खासे ऊपर आ गए, टारगेट्स भी अचीव हो गए थे, 417 का लेवल्स ऊपर दिखाए भी, और वैसे ये 520 तक के लेवल्स भी पहले दिखाया हुआ है 2018 की रैली में। तो उसके सामने ये 330 के लेवल्स पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया लेवल्स है। इन स्टॉक को लेने में कहीं कोई रिस्क नहीं है क्योंकि मार्केट जब चला हुआ रहता है तो ऐसे ही मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज जहां पे क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर और आगे का भी प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया दिखते हैं, और एक जीरो डेट कंपनी सबसे इंपॉर्टेंटली वो भी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग करंट रेशियोज, मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ओपीएम मार्जिन 24% की ओपीएम मार्जिन पे काम करती है, एनपीएम मार्जिन करीब 15%। इस टाइप के फंडामेंटल्स वाली कंपनी एक अच्छे लेवल पे मिल रही है जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर है। तो मेरे हिसाब से आराम से स्टॉक को लेना चाहिए 390 के टाइम।